नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अदानी गैस कंपनी का CNG पंप स्टेशन कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो की जाकर तुरंत देखें, क्योंकि आने वाले समय में CNG या बायोफ्यूल का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन कैसे ओपन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी है कि अगर आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करना है तो इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, देन उसके बाद आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का आपको CNG स्टेशन ओपन करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया है कि गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आपके CNG स्टेशन पे आपको कितना कमीशन प्रोवाइड करती है पर केजी गैस के सेल पे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग यह भी देखेंगे कि अगर आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करना है तो इसके लिए जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो की कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर दे। और फ्रेंड्स मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस के रिगार्डिंग, फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो एक सेंट्रल PSU कंपनी है, और ये जो कंपनी है अभी मोस्टली जो है लिक्विड हाइड्रोकार्बन और लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, देन उसके बाद नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, उसके बाद जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये काम कर रही है। और अभी गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है अपने CNG डिस्ट्रीब्यूशन को और भी बढ़ाना चाहती है, इसलिए ये कंपनी जो है अभी डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल के अंदर जो है आप लोगों को डीलरशिप के लिए इनवाइट कर रही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप CNG स्टेशन खुद का ओपन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस गेल इंडिया के अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाएं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आप लोगों को दो तरह के CNG स्टेशन ऑफर करती है। पहला जो CNG स्टेशन है उसको बोलते हैं ऑनलाइन CNG स्टेशन। इस CNG स्टेशन में क्या होता है कि जहां पे गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का गैस का पाइपलाइन जो है पहुंचा हुआ है, अगर आप वैसे जगह पे गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG पंप स्टेशन ओपन करते हैं तो उसको जो है हम लोग ऑनलाइन CNG स्टेशन बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरा CNG स्टेशन है उसको डॉटर बूस्टर CNG स्टेशन बोलते हैं। इस CNG स्टेशन के अंदर क्या होता है कि जहां पे गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का गैस का पाइपलाइन नहीं पहुंचा है, अगर आप वैसे जगह पे गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करते हैं तो उसको डॉटर बूस्टर CNG स्टेशन बोलेंगे। यानी कि आपको उस CNG स्टेशन में जो है आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है आपको CNG लेके आना पड़ेगा, तब जाके जो है आप अपने कस्टमर को जो है CNG डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करना है तो इसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया देखें तो जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करने जा रहा है CNG स्टेशन के लिए तो उसका जो एज लिमिट है वो 21 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके बाद जो उसका नेशनलिटी है वो इंडियन होना चाहिए, और उसके बाद उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है उसको CNG स्टेशन का मैनेजमेंट का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद कंपनी की तरफ से जो है आपका सोशल इमेज भी देखा जाता है कि आपका समाज में कैसा नाम है, आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तभी जाके कंपनी जो है आपको CNG स्टेशन ओपन करने के लिए आपको अनुमति देगी। देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मांगा जाएगा, आपका नेटवर्थ कितना है वो आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो नेटवर्थ का जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है वो मिनिमम 80 लाख का मांगा जाता है, पर कंपनी की तरफ से ज्यादा प्रेफरेंस उसी को दिया जाता है जिसका नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर का है। देन उसके बाद आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मुझे इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आपका लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको इसी फिगर को जो है आपको मन में लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको कितना लैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, यहाँ पे अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में ओपन करने जा रहे हैं CNG स्टेशन गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का तो आपको 1225 स्क्वायर मीटर का आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर का भी लैंड एरिया है तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर आप सिटी में ओपन करना चाहते हैं या कोई भी आप म्यूनसिपल एरिया में ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको 900 स्क्वायर मीटर का आपको जमीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। और उसके बाद अगर आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर ओपन करने जा रहे हैं तो कंपनी यहाँ पे देखती है कि आपका अनडिवाइडेड कैरिजवे है या डिवाइडेड कैरिजवे है। अगर अनडिवाइडेड कैरिजवे रहेगा तो आपको 35 मीटर बाय 35 मीटर का जो है आपको लैंड वहाँ पे अवेलेबल करा के देने पड़ेंगे। अगर आपका डिवाइडेड कैरिजवे रहेगा तब कंपनी जो है आप लोगों को बोलती है कि जो उसका फ्रंट है वो 35 मीटर होना चाहिए और जो लैंड का डेप्थ है वो 45 मीटर होना चाहिए। देन उसके बाद जो है आपको लैंड टाइप किस प्रकार का यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कंपनी की तरफ से कमर्शियल लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड के लिए जो है आपको अप्रूवल दिया जाएगा CNG
रजिस्ट्रेशन ओपन करने के लिए। अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड है और आप सोच रहे हैं कि मुझे एग्रीकल्चर लैंड पे ओपन करना है सीएनजी स्टेशन, तो यहाँ पे पहले आपको एग्रीकल्चर लैंड को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉन एग्रीकल्चर लैंड में, तभी आप उस पर सीएनजी स्टेशन ओपन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपने अपने लैंड को अगर लीज पे लिया होगा तो आपका जो मिनिमम लीज पीरियड है वो आपका 15 ईयर्स का होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कंपनी और डीलर के बीच में जो भी इनिशियल एग्रीमेंट होगा वो 15 साल के लिए होगा। उसके बाद कंपनी देखेगी कि आपका सीएनजी स्टेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से कंपनी आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है आपके एग्रीमेंट को रिन्यूअल करेगी। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लैंड स्पेसिफिकेशन लिखा गया है कि आप जिस लैंड पे आप सीएनजी स्टेशन ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी ट्री प्लांटेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई हाई टेंशन का लाइन गुजरना चाहिए, उसके बाद ना ही कोई आपका अंडरग्राउंड ऑयल गैस पाइपलाइन या टेलीफोन लाइन ऐसा कोई भी जो है आपके लैंड से क्रॉस नहीं करना चाहिए, तभी जो है आपको सीएनजी स्टेशन ओपन करने के लिए उस लैंड पे जो है आपको अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका लैंड एरिया रहेगा उस पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शन जो है अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप इस बेसिक क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो आप गेल कंपनी का सीएनजी स्टेशन के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो इसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, प्रूफ ऑफ एज हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जहाँ तक भी पढ़े होंगे यानी आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके सर्टिफिकेट को जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है आपको कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एक नोटराइज एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि जिस लैंड पे आप सीएनजी स्टेशन ओपन करने जा रहे हैं वो लैंड आपका है, यानी कि उसमें ऑनरशिप ऑफ लैंड का जो है जिक्र होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको नेट वर्थ का जो है आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जो भी आप नेट वर्थ का सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट करेंगे वो सर्टिफिकेट जो है आपका सीएसए सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जो है आपको सभी लैंड के डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने लैंड खुद से परचेस किया है तो आपको वहाँ पे सेल डीड आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने लैंड को अगर लीज पे लिया है तो आपको लीज डीड जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आपका एग्रीकल्चर लैंड था और आपने उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में अगर आपने कन्वर्ट किया है तो आपको कन्वर्जन ऑफ लैंड का जो है आपको डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो भी नियर बाय का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से जो है आपको नो क्रिमिनल ऑफेंस का जो है एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन सी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे अगर हम लोग पहला लाइसेंस की बात करें तो आपका जो भी रेस्पेक्टिव म्युनिसिपैलिटी ऑफिस होगा वहां से जो है आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में सीएनजी पंप स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जितने भी लोकल अथॉरिटी रहते हैं उससे भी जो है आपको एनओसी लेने पड़ेंगे। अगर आप अपना सीएनजी स्टेशन अगर नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर ओपन करना चाहते हैं तो आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो है आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा, और आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी जो है आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक पेसो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि आपको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट से जो है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको पेसो लाइसेंस के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी यहाँ पे आपको पेसो लाइसेंस आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो है आपको फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी जो है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको फैक्ट्री डिपार्टमेंट से भी जो है आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। देन उसके बाद आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का रेस्पेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा वहां से जो है आपको एनओसी लेना पड़ेगा। देन उसके बाद जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड परमिशन है आपको अपने रेस्पेक्टिव सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो है आपको वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट से जो है आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको और भी कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी तो यहाँ पे आपको कंपनी जो है आपको इन्फॉर्म कर देगी। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपको गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना है तो इसके लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का आप सीएनजी स्टेशन ओपन करना चाहते हैं। अगर आप गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपको 1 करोड़ तक आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जानना है कि आपको 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आप लोगों को डीलरशिप के लिए इनवाइट करी है तो यहाँ पे कंपनी और डीलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी लैंड का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा वो डीलर को करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी सीएनजी स्टेशन का सिविल वर्क होगा वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो डीलर को करना पड़ेगा। देन उसके बाद जितने भी सीएनजी के इक्विपमेंट रहेंगे वो सारा चीज जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। देन उसके बाद जितना भी स्टेचुरी परमिशन है, जैसे कि आपको सीएनजी स्टेशन को कंस्ट्रक्शन करना है, उसके बाद सीएनजी इक्विपमेंट को इंस्टॉल करना है, ये सारे चीज जो है डीलर को करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी डे टू डे ऑपरेशन होगा
जैसे कि मैनेजमेंट का, कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड का, डिपॉजिट ऑफ सेल प्रोसीड का, ये सारे जो काम है डीलर को खुद से करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो भी फैसिलिटी रहेगा आपके CNG इक्विपमेंट का, वो सारा गेल कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का डॉटर बूस्टर CNG स्टेशन ओपन करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है आपको CNG जो है आपको अपने CNG स्टेशन में लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपका CNG का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, वो सारा चीज जो है आपको गेल कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। देन उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो भी प्रीमाइसेस रहेगा वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम रहेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल केबलिंग हुआ, UPS हुआ, पावर बैकअप सिस्टम हुआ, ये सारे चीज़ का जो अरेंजमेंट है ये डीलर को खुद से करने पड़ेंगे। आपका जो भी CNG स्टेशन होगा वहाँ पे जितने भी कैनोपी लगेंगे, उसके बाद स्टेशन लाइट लगेंगे, फ्लोरिंग होगा, जनरल इक्विपमेंट होगा स्टेशन का, तो ये सारे चीज़ का जितना भी इन्वेस्टमेंट है ये डीलर को खुद से करने पड़ेंगे। उसके बाद जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का जो भी सप्लाई या मेंटेनेंस का खर्च होगा वो डीलर को खुद से करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको अपने CNG स्टेशन में आपको कितने प्राइस में आपको CNG को रिटेल करना है, ये प्राइस जो है कंपनी डिसाइड करके आपको देने वाली है। तो यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है डीलर को हमेशा अपडेट करेगी कि अभी CNG का प्राइस क्या रखना है आपको। उसके बाद आपके CNG स्टेशन में जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटी होगी CNG के सेल को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे डीलर और कंपनी दोनों को यहाँ पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से जो है आपको बहुत सारे ऑडिट किए जाएंगे, जैसे कि सेफ्टी ऑडिट हुआ, टेक्निकल ऑडिट हुआ, ये सारे ऑडिट जो है कंपनी यहाँ पे अपने खर्चे पे आपके स्टेशन का करके देगी। तो फ्रेंड्स, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहां पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलर को करना पड़ेगा और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी आपको करके देने वाली है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो कैसे यहां पे लगने वाला है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन फी जो है 11,800 रुपये करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको डीलरशिप अलॉट हो जाता है तो कंपनी में जो है आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 15 लाख रुपये का आपको जमा करना पड़ेगा। ये जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है आप इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली NEFT कंपनी के अकाउंट में कर सकते हैं, या आप बैंक गारंटी के थ्रू भी आप दे सकते हैं। जब आप ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हैं तो कंपनी जो है आपको LOI इशू कर देती है, यानी कि जो भी आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट रहेगा कंपनी की तरफ से आपको CNG ओपन करने के लिए आपको यहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट कंपनी की तरफ से आपका इशू कर दिया जाएगा, देन कंपनी जो है अपने डिजाइन के हिसाब से आपके CNG स्टेशन को कंस्ट्रक्शन करेगी, और इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में कंपनी आपसे 25 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपसे लेती है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है आप इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, या बैंक गारंटी के थ्रू भी जो है आप कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि आपको गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है आपके CNG डीलरशिप पे जो है आपको कितना कमीशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी आपको एवरेज कमीशन 3 रुपये पर kg गैस के सेल पे आपको कमीशन प्रोवाइड करती है। अगर आप अपने CNG स्टेशन से पर डे का 4,000 kg CNG सेल करते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है 12,000 रुपया होने वाला है। तो इसके हिसाब से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है पर मंथ का आपका 3,60,000 आने वाला है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आपका कितने साल में कवर हो जाएगा। अगर आप CNG स्टेशन ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड बिजनेस मॉडल के अंदर जो है आप लोगों को डीलरशिप के लिए इन्वाइट करिए। अगर आप इसका डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वाराणसी का गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का मैंने यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है गौरी शंकर जी से जो है आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मैंने पटना ऑफिस का यहाँ पे नंबर दिया है निर्मल कुमार का, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे लोकेशन के लिए जो है कब गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो है CNG स्टेशन ओपन करने का डीलरशिप के लिए जो है रिक्वायरमेंट निकलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और अगर आपको झारखंड में किसी भी लोकेशन पे CNG स्टेशन ओपन करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने रांची ऑफिस का मैंने नंबर प्रोवाइड किया है आलोक कुमार जी का। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस्टर आलोक कुमार जी का जो है ट्रांसफर हो चुका है दिल्ली में, तो आप रांची लोकेशन में जो है इनका नंबर पे कांटेक्ट ना करें। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जमशेदपुर का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप जमशेदपुर ऑफिस में कांटेक्ट करें SK पाल जी को, यहाँ पे उनका नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि झारखंड में किस किस लोकेशन के लिए जो है अभी गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का CNG स्टेशन ओपन करने के लिए निकला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो मैंने यहाँ पे देख रहे हैं उड़ीसा के लिए 2 नंबर प्रोवाइड किए हैं, तो आप दोनों में से किसी भी ऑफिस में आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि अभी उड़ीसा में
किन किन लोकेशन के लिए जो है गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी पंप ओपन करने के लिए एप्लीकेशन निकला हुआ है। इसके अलावा और भी किसी दूसरे लोकेशन के लिए अगर आप लोगों को जानना है कि गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी पंप ओपन करने के लिए एप्लीकेशन निकला है कि नहीं, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां पे पूरा जानकारी मिल गया होगा कि आप गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी पंप स्टेशन कैसे ओपन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले, ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता है कि वो गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी का सीएनजी स्टेशन कैसे ओपन कर सके, उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।